हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। सबसे पहले आप सभी को सुमन क्लासेस की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और इसके लिए हम दो चीज़ लाए हुए हैं। पहला लाए हुए हैं कि झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा और एसएससी जीडी, ये तीनों का दिसंबर 2022 तक भर्ती आने वाला है। झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा दोनों को गजट निकाल दिया गया है, दोनों का गजट निकाल दिया गया है। और हम बात करते हैं एसएससी जीडी का, तो उसमें कैलेंडर में दर्शा दिया है कि दिसंबर 2022 तक भर्ती आने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वीडियो में आप सभी को झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा के सिलेबस बताएंगे। जो भी नया सिलेबस जो है झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा के, वो हम आपको सिलेबस बताएंगे। और उसके बाद फिर हम बताएंगे मेरे यहाँ जो क्लासेस चल रहा है हजारीबाग में, जो मेरा क्लासेस है, तो आपको हम अपना क्लास दिखाएंगे। फिर हम आपको ऑफलाइन और जो ऑनलाइन क्लास मेरे यहाँ चल रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताना शुरू करते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ और मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास चलता है हजारीबाग में, बाबूगांव और एक आपका गुरु गोविंद सिंह रोड, अनंदा चौक। तो चलिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग सिलेबस जानते हैं कि अभी जो गजट पास हुआ है, तो गजट पास हुआ है झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा का। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनको बोल रहे सर कि एक्साइज का रनिंग हुआ ही नहीं है इन लोगों के गजट। देखिए, एक्साइज का जो भर्ती था वो पुराना भर्ती था, 2018 का भर्ती था। कर ये अभी जो आने वाला है ये नया भर्ती है। और हम पे विश्वास करो, क्योंकि 2024 में चुनाव आ रहा है और उससे पहले आपको 23 में निकलेगा फॉर्म, 23 के जनवरी या तो 2022 के दिसंबर तक फॉर्म निकलेगा। और निकलने के बाद तुरंत एग्जाम लेगा और 2023 में ही आप लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है। आप बात समझिए। तो आगे हम आपको सिलेबस बताते हैं कि सर झारखंड दरोगा झारखंड पुलिस में क्या सिलेबस रहेगा। तो देखिए, झारखंड जो पुलिस है, झारखंड दरोगा के जो सिलेबस की हम बात करें, तो झारखंड पुलिस में बहुत सारा ऐसा पद है जो ग्रेजुएशन लेवल भी आएगा झारखंड पुलिस में। इसके अलावा कलर का, झारखंड पुलिस कलर का भी भर्ती आने वाला है। झारखंड पुलिस डिलीवर जो होता है उसका भी भर्ती आने वाला है। झारखंड पुलिस जो बैंड होता है, तो बैंड का भर्ती आने वाला, ये गजट में दर्शाया हुआ है। और दरोगा के बारे में हम बात करें, तो दरोगा के, झारखंड दरोगा के आने वाला है करीब 2000 सीट आने वाला है। झारखंड दरोगा के 2000 सीट आने वाला है और झारखंड पुलिस के 11000 सीट आने वाला है। और 11000 में सब मिला हुआ है, उसी 11000 में आपका रहेगा जो ग्रेजुएशन लेवल भर्ती है। यानी कोई ऑफिसर है तो आपका ऑफिसर का जो भर्ती है झारखंड पुलिस में वो ग्रेजुएशन लेवल है। फिर आपका क्लर्क हुआ, झारखंड क्लर्क जो इंटर लेवल रहेगा, और उसके बाद आपका रहेगा ड्राइवर का भर्ती हो गया, फिर आपका ड्राइवर का भर्ती हो गया, आपका बैंड का भर्ती हो गया। तो ये सारा के आने वाला है आपका झारखंड पुलिस में, टोटल 11000 सीट मिला कर रहेगा। इन लोग के बाद आपको महीना दिन के अंदर आपको फॉरेस्ट विभाग का भी गजट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा चौकीदार का भी भर्ती आने वाला है। सबसे पहले हम सिलेबस बात करते हैं, तो आगे आपको झारखंड दरोगा का सिलेबस बता लेते हैं, उसके बाद हम आपको झारखंड पुलिस का सिलेबस बताते हैं। और जितना सिलेबस हम बता रहे हैं तो उतना मेरे यहाँ क्लास भी चलता है, और क्लास का जो प्राइज ले रहे हैं तो काहे ले रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो जो झारखंड दरोगा का हम बात करते हैं, तो ये देखिए, झारखंड पुलिस हो या झारखंड दरोगा, दोनों में आपको तीन पेपर होगा, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री, यानी कहने का मतलब है कि झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा के जो एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो टोटल 6 घंटा का एग्ज़ाम होगा। यानी 6 घंटा का एग्ज़ाम होगा। पहला जो शिफ्ट होगा आपको मॉर्निंग में 9 बजे से रहेगा 11 बजे तक। दूसरा जो शिफ्ट रहेगा आपका वो रहेगा आपका 12 से 2, और तीसरा शिफ्ट रहेगा 3 से 5। यानी आपको टोटल 6 घंटा का एग्ज़ाम होगा, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। सबसे पहले बात करते हैं दरोगा का, तो दरोगा हो या झारखंड पुलिस हो, पेपर वन सेम टू सेम। झारखंड पुलिस या दरोगा हो, पेपर वन सेम टू सेम, 60 नंबर हिंदी, 60 नंबर इंग्लिश। इसी प्रकार झारखंड पुलिस में भी आपको 60 नंबर हिंदी रहेगा, 60 नंबर इंग्लिश रहेगा।
ये जो पेपर वन दिख रहा है इसमें मात्र आपको 30% लाना है। अब 30% लाते हैं तो आप पास कर जाइएगा, यानी 120 क्वेश्चन में आपको कम से कम 36 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको सही करना है, यानी लाना है। नेगेटिव मार्क भी रहेगा दोनों में। और ये जो 60 हिंदी रहेगा इसमें रहेगा 20 रहेगा गद्यांश रहेगा और 40 रहेगा व्याकरण। उसी प्रकार यहाँ झारखंड पुलिस में भी सेम टू सेम 20 गद्यांश 40 व्याकरण, इंग्लिश में वैसा रहेगा 20 पैराग्राफ और 40। तो आप 10-10 मिनट पर डे समय देते हैं, 10-10 मिनट पर डे समय देते हैं तो ये पेपर आपके क्लियर हो जाएगा, है ना। ये पेपर क्लियर होगा, हम पढ़ाते नहीं हैं ये पेपर हल्का पर डे हम आपको टास्क दे दिया करेंगे, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो 15-20 दिन इसका क्लास दे देंगे तो आपको पेपर वन आप पास कर जाइएगा। और कर पर डे आपको 10 मिनट समय देना है, 10 मिनट समय देते हैं तो ये काफ़ी है। इसके लिए बुक रखना है लूसेंट का इंग्लिश और लूसेंट का हिंदी। अब लूसेंट का इंग्लिश या लूसेंट का हिंदी पढ़ते हैं तो ये आपका पेपर वन आप पास कर जाइएगा। अब हम बात करते हैं पेपर टू का। तो पेपर टू है लैंग्वेज पेपर। तो पेपर टू में यहाँ हम खोटा नागपुरी दर्शाए हुए हैं कि खोटा नागपुरी के अलावा और बहुत सारा पेपर है, संथाली हो गया, कुरमाली हो गया, कुडुक हो गया, तो जो जिनका भाषा है वो ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। 12 गो लैंग्वेज है, उसी 12 लैंग्वेज में आपको लेना पड़ेगा। फ्रेंड हिंदी हटा दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश हटा दिया गया भाषा में, तो आपको या 12 जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज हम आपको दर्शा के फिर बता देंगे, या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा तो वहाँ 12 लैंग्वेज के दिया हुआ, किसी का भी, चाहे आप सीजीएल हो या एक्साइज पुलिस हो या किसी का भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, 12 लैंग्वेज वहाँ शो कर जाएगा, तो उसमें से एक भाषा आपको लेना है। रहा बात सर की खोटा कैसा है, नागपुरी कैसा है, तो दोनों नॉर्मल है, वैसा नहीं। खोटा हल्का तरी सिलेबस हाई रहता है, नागपुरी हल्का सिलेबस कम रहता है, बाकी दोनों का सेम है। ये दोनों के यहाँ मेरा टीचर है, खोटा का बहुत बेस्ट टीचर मेरे पास है जो है राजेश सर। राजेश सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, राजेश सर है खोटा के मेरे पास टीचर, जो बहुत बढ़िया से आपको तैयारी करवा देंगे। राजेश सर हैं, अभी नया बैच भी चालू किए हुए हैं झारखंड पुलिस का ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए, बाकी ऑनलाइन क्लास भी पढ़ाते हैं, तो ज़्यादातर राजेश सर ऑफलाइन क्लास बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो आपको क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं खोटा के लिए, चाहे झारखंड दरोगा हो या झारखंड पुलिस हो या झारखंड क्लर्क हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको राजेश सर आपको जो पढ़ाएंगे बहुत बेहतर पढ़ा देंगे, है ना। एक दो वीडियो भी डेमो के लिए डाल दिए हैं यूट्यूब पे, आप मारिएगा कि खोटा क्लासेस सुमन सर, तो आपको मिल जाएगा राजेश सर का, या मेरा जो एप्लीकेशन है सुमन क्लासेस बाय सुमन सर, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ वीडियो के शो में दिखते रहेगा, है ना। तो माँ जो कहानी पढ़ाए हैं राजेश सर, और बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ राजेश सर के एक बार आप क्लास कीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बात करते हैं राजेश सर, उसके बाद हो गया नागपुरी। नागपुरी आपको करिश्मा मैम पढ़ाती है, तो नागपुरी के लिए भी बहुत बढ़िया से नागपुरी आपको क्लास होगा। तो नागपुरी भी आप क्लास करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर तरीक़े से आपको नागपुरी पढ़ाया जाएगा, तो नागपुरी भी मेरे यहाँ क्लास होता है। खोटा नागपुरी दोनों मेरे यहाँ क्लास होता है, खोटा भी होता है और नागपुरी भी होता है, तो आप दोनों क्लास मेरे यहाँ कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीक़ा से। अरे कहने का मतलब है ना, जो आप लैंग्वेज पेपर से डर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर उतना कोई हार्ड नहीं है। आपका जो पहले अब 10वां क्लास में हिंदी बुक पढ़ते थे तो हिंदी बुक में क्या रहता था, पद और गद दोनों रहता था, यानी कहने का मतलब है हिंदी में क्या रहता था, पद गद और व्याकरण रहता था। तो उसी प्रकार आपका लैंग्वेज पेपर में भी आपका पद रहेगा, गद रहेगा और व्याकरण रहेगा, यानी कहने का मतलब, यानी ठेठ भाषा में हम बोले तो आपका कहानी हो गया, कविता हो गया और व्याकरण हो गया, है ना। कहानी कविता व्याकरण उतना ही पढ़ना है, उसी में कहानी में पूछेगा कि कौन कहानी के कौन लेखक है, कहानी में जो पात्र है तो कौन कौन पात्र है उसमें, वो पूछेगा आपको जाकर। जैसे हम लोग 10वां क्लास में हिंदी बुक पढ़ते थे, जैसे नेता जी के चश्मा के बारे में पढ़े थे, है ना, तो उसी प्रकार खाली हिंदी हटा दिया, बाकी दूसरा भी लैंग्वेज है ना, तो सेम टू सेम है। अब बुक ले लेते हैं, क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पूरा पूरी समझ में आ जाएगा। तो ये रहा पेपर टू, तो पेपर टू मेरे यहाँ क्लास स्पेशली होता है, हो गया। अब हम बात करते हैं पेपर थ्री का। तो पेपर टू और पेपर थ्री से आपका मेरिट बनेगा, यानी पेपर टू से भी बनेगा और पेपर थ्री से भी आपका मेरिट बनेगा। तो देखिए यहाँ बात करते हैं पेपर थ्री के बारे में। तो ये रहा झारखंड पुलिस, अरे झारखंड दरोगा, और ये रहा झारखंड पुलिस। सर
झारखंड पुलिस में कंप्यूटर भी पूछेगा, यहाँ कंप्यूटर भी पूछेगा। देखिए झारखंड पुलिस में एक पद दर्शाया हुआ है क्लर्क के लिए, अब यहाँ देखिए आपको क्लर्क के भर्ती लेगा तो आपको कंप्यूटर तो जानना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में जो क्लर्क का काम होता है क्या होता है, कंप्यूटर पे होता है। क्लर्क का जो काम होता है कहाँ होता है, कंप्यूटर पे काम होता है। तो कंप्यूटर पे काम होगा तो आपको कंप्यूटर पूछेगा ही पूछेगा। तो हल्का सा बदलाव कर सकता है झारखंड पुलिस का सिलेबस में, यानी पहले जो सिलेबस था और अभी जो सिलेबस है वो हल्का बदलाव कर सकता है, और करने के कारण है कि उसमें आपका क्लर्क का भर्ती दिया हुआ है, झारखंड पुलिस क्लर्क का भर्ती दिया हुआ है, इसी कारण सिलेबस में बदलाव कर सकता है। जिस प्रकार पेपर हम पहले बता रहे थे कि 120 क्वेश्चन, इस बार 150 क्वेश्चन आने का चांस है लगभग। ये जो हम बनाए हुए हैं सिलेबस वो हम अपने से बनाए हुए हैं, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम के पैटर्न देख के हम उसके बाद सिलेबस बनाते हैं। अभी कहीं झारखंड पुलिस का सिलेबस कहीं रिलीज नहीं किया गया है, हाँ झारखंड दरोगा का भी सिलेबस कहीं रिलीज नहीं किया गया है। ये सारा बताने के कारण है मेरा जो मानना है, यानी मेरा मानना है, यानी पहले 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2017 में जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, 2015 में जो झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसके पैटर्न और अभी जो मोमेंट चल रहा है उसके पैटर्न पे हम ये सिलेबस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हल्का सिलेबस में एक दो नंबर कम बेसी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। कर मेरा आज तक जो भी सिलेबस हम बना दिए हैं तो वही क्वेश्चन वही सिलेबस आपको मिला है। पहले भी हम सचिवालय में तब उसका सिलेबस आने, नया सिलेबस आने से पहले भी बता दिए थे कि कंप्यूटर पूछने वाला है, क्वेश्चन बढ़ाने वाला है, तो बढ़ाया, 150 क्वेश्चन पूछा। तो मेन पॉइंट है जो हम बताते हैं, तो बहुत उस पर निर्णय लेने के बाद हम कोई भी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के आपको हम जानकारी देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका जो पेपर झारखंड दरोगा का पेपर 3 रहेगा वो देखिए, पहले जो CGL का एग्ज़ाम हुआ था, सचिवालय का एग्ज़ाम, सचिवालय और दरोगा का जो एग्ज़ाम था दोनों का सेम पैटर्न था, PT पूरा सेम था। अब वहाँ क्या हुआ, पहले 2 एग्ज़ाम होता था, PT और मेंस, 2 एग्ज़ाम होता था। अब क्या कर दे रहा है, PT और मेंस दोनों को मर्ज कर दे रहा है, यानी मात्र एक ही एग्ज़ाम होगा। और जब एक ही एग्ज़ाम होगा तो उसको तो बहुत सारा सवाल पूछना है, तो वही क्या करता है, क्वेश्चन हल्का बढ़ा देता है। तो जैसे आपका दरोगा में रहेगा तो आपका ऑल इंडिया रहेगा 30 नंबर, झारखंड जी के रहेगा 40 नंबर, मैथ रहेगा 20 नंबर, रीजनिंग रहेगा 20 नंबर, साइंस रहेगा 20 नंबर, कंप्यूटर रहेगा 20 नंबर। आपका टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, यानी आपका जो मेरिट बनेगा तो 100 क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर, 150 क्वेश्चन पेपर 3, यही आपको 250 क्वेश्चन से आपको मेरिट बनेगा, और यही 250 क्वेश्चन के हम क्लास कराएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं तो आप गिनती गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑल इंडिया में तो बहुत सारा आ गया, 6, 1, 7, और इस 7ों का जो हम चार्ज ले रहे हैं, आपको दरोगा का हम बात कर रहे हैं, तो टोटल मेरे पास चार्ज है 7ों का पढ़ने का 3,500, और 3,500 एक या दो दिन के लिए नहीं है, ये आपका साल भर के लिए है। सो 3,500 हम ले रहे हैं वो मेरा साल भर के लिए है। आपको पर डे 4 घंटा क्लास दिया जाएगा, वो भी लाइव क्लास, और लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग क्लास भी दिया जाएगा। तो आप मेरा मेहनत देखिए, हम आपको लास्ट वीडियो में हम आपका रूम बताएंगे, मेरा जो खर्च है एक महीना का वो बताएंगे, करीब डाटा चार्ज ही बोले तो 1,000 रुपये तो मेरा डाटा ही चार्ज चला जाएगा। तो वो हिसाब से हम 3,500 आपसे ले रहे हैं, तो कुछ नहीं ले रहे हैं हम अपना, जो आपको एक साल में यानी 6, 7, 8 महीना में जितना भी एग्ज़ाम तब तक होगा, यानी कहने का मतलब है कोर्स आपको हम फाइनल करा देंगे 6 महीना के अंदर, कंप्लीट करवा देंगे 6 महीने के अंदर। कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आपको पढ़ते रहना है, उसका कारण है जितना पर हम आपको रिवाइज कराएंगे उतना ही बेहतर तरीका से हम आपको तैयारी करा पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई कभी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। अब पढ़ते जाइएगा भुलाते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा और भुलाते चले जाइएगा, तो आपको क्या करना है, मेरे यहाँ रिवाइज करते रहना है और मेरे अनुसार चलना है, कि हम जैसे पढ़ने बोलेंगे वैसे पढ़ना है। हल्का ये एक आपको कठिनाई उठाना पड़ेगा कि आपको खुद से यानी सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो हम कितना बताएं, 3,500, और 3,500 आप दे रहे हैं तो ज़्यादा रुपया नहीं है 3,500, क्योंकि आप सिलेबस भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6,
और जो ऑल इंडिया जीके है उसमें बहुत कुछ पढ़ाना रहता है, 6 और ये खोटा या नागपुरी रखिएगा 7 और एक आपको यहाँ लैंग्वेज पेपर रखिए आपको जो पेपर 1 है उसमें हो गया 7। तो 7-7 वो आपका टॉपिक है और पर डे 4 घंटा हम क्लास कराएंगे यानी आपको 1 साल यानी जब तक नौकरी नहीं होगा जब तक आप मेरे यहाँ क्लास कर सकते हैं। तो वो आपका ज़्यादा फी नहीं है, वो हिसाब से देखेगा यानी गाइड से देखेगा तो कोई ज़्यादा फी नहीं है। हाँ, आज रक्षाबंधन के चलते हम ऑफ दिए हुए हैं मात्र 500 रुपया, यानी जहाँ 3,500 लग रहा था वहाँ आपको लगेगा 3,000, जहाँ 3,500 लग रहा था वहाँ आपको लगेगा 3,000। तो जो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ पेमेंट का प्रक्रिया आप 1 बार 2 बार या 3 बार में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम ये कर देंगे। हाँ, अगला जो पेमेंट है उसके लिए डेट आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो आप 1 बार में 2 बार में या 3 बार में पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत बढ़िया तरीका से हम आपको गाइड करेंगे। मेरा अपनी जो क्लास होगा वो होगा गूगल मीट पर लाइव क्लास होगा, क्योंकि इतना याद रखिए कितनों हम रिकॉर्डिंग क्लास आपको बहुत बेहतर तरीका से हम दे दें, रिकॉर्डिंग क्लास में नींद आएगा कर लाइव क्लास में ना मज़ा आएगा, यानी ऑफलाइन क्लास जैसे होता है ना उसी प्रकार आपको फीलिंग आएगा ऑफलाइन क्लास में। तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आज और कल ऑफर है, बाद में मत बोलिएगा, राखी बंधन का ऑफर है और आज और कल ऑफर है। चलिए अब बात करते हैं झारखंड पुलिस का। तो झारखंड पुलिस का भी इसी प्रकार है कि आपका ऑल इंडिया जीके झारखंड हो गया, मैथ हो गया और साइंस हो गया, ये तो पहले सिलेबस था ही, पहले हम बताए ही थे कि झारखंड ऑल इंडिया जीके लेगा, झारखंड लगेगा, मैथ लगेगा, साइंस लगेगा। अभी हम कंप्यूटर ऐड कर दे रहे हैं, तो कंप्यूटर ऐड करने के कारण है अभी जो नया गजट आया उसमें झारखंड कलर का भर्ती दर्शा दे रहा है, अच्छा झारखंड कलर का भर्ती दर्शा दे रहा है, झारखंड पुलिस कलर का भर्ती दर्शा रहा है, तो ऑटोमेटिक उसमें कंप्यूटर पूछेगा, 100% श्योर है कि कंप्यूटर पूछेगा। बहुत सारे बोलेंगे नहीं पगला गया मास्टर कि झारखंड पुलिस में कंप्यूटर का पूछने लगे, अरे बाबू पहले का समय नहीं रहा, अभी तब हम जाते हैं पुलिस स्टेशन या कहीं भी जाते हैं सबसे पहले हमको कंप्लेन भी करना रहता है ना, तो आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया है तो कोई फोर्स भी बन जाता है, उसको कंप्यूटर नहीं आ रहा है तो मतलब कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी का मतलब ये नहीं कि ADC जाकर टेली के कोर्स अब करने लगे, वैसा कोई बात नहीं है, एक छोटा सा बुक आता है लूसेंट का और उससे ही जानकारी आपको मिल जाएगा। ये कंप्यूटर सीखने को कोई जरूरत नहीं है, कंप्यूटर से पूछेगा भी तो नॉर्मल सवाल पूछेगा जिसे बोलेगा इनपुट और आउटपुट क्या होता है। अरे आजकल तो सभी आदमी कंप्यूटर तो देख ही लिए, तो आधा बेसिक ऐसे सवाल के हल हो जाएंगे, मॉनिटर किसको बोलते हैं हम लोग, है ना, CPU किसको बोलते हैं, टोटल आधा बेसिक जानकारी हो जाएगा आपको, माउस किसको बोलते हैं, कीबोर्ड किसको बोलते हैं, कीबोर्ड में कितना बटन होता है, कीबोर्ड में कौन बटन का क्या काम है, ये सारा सवाल रहेगा, नॉर्मल सवाल रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। तो आपको हल्का सा भी टेंशन नहीं लेना है कि मेरा झारखंड पुलिस में कंप्यूटर पूछ रहा है, यानी बहुत बेसिक लूसेंट का पतला सा बुक आता है कंप्यूटर के लिए, तो ये बुक आप ले लीजिएगा, बहुत बेहतर बुक होगा, अब ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरने का जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर हम बोल रहे हैं पूछेगा तो उससे आपको डरने का जरूरत ही नहीं लेना है, क्योंकि बहुत नॉर्मल कंप्यूटर पूछेगा। तो हम क्या बोले यहाँ कि यहाँ आप देखिए कि पेपर 1 में आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश ये कवर हम करवाएंगे, फिर आपका खोटा नागपुरी है ये कवर कराएंगे, अभी तक 2 हो गया, आपका ऑल इंडिया जीके पढ़ाएंगे हम, झारखंड जीके पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे, टोटल जो हम पढ़ाएंगे 4 घंटा का मेरे यहाँ क्लास होगा, 4 घंटा इवनिंग में मेरे यहाँ क्लास होता है, जो भी क्लास होता है इवनिंग में होता है ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन तो मेरे यहाँ आपको दिन में रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन आपको संभव नहीं है कि आपको हम शाम में करवाएं, और ऑनलाइन संभव नहीं है कि हम आपको मॉर्निंग में करवाएं, तो आपको क्लास में होगा सुबह होगा। हाँ, आप लोग सभी को अभी तो क्लास मेरा बंद है, अभी राखी बंधन का छुट्टी दिए हुए हैं, तो राखी बंधन के छुट्टी दिए हुए हैं तो अभी आप फ़ोन कर सकते हैं, 2-3-4 दिन अभी मेरा रेस्ट है 14 तारीख से, 14 तारीख तक अभी करते हैं, और नया बेस हम स्टार्ट करने वाले हैं 16 तारीख से, नया बेस हम स्टार्ट करने वाले हैं 16 तारीख है। जिसको जिसको एडमिशन लेना है फटाफट स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है कॉल लगाओ और डायरेक्ट अपना सीट बुक करो। तो हम आप सभी को बताएं अभी 4 दिन हम बिल्कुल फ्री हैं, 3-4 दिन पूरा बिल्कुल फ्री है, तो 3-4 दिन में आप लोग कॉल कर सकते हैं, जो जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं, उसके बाद तब क्लास चालू हो जाएगा, तो आप हमको दोपहर में कॉल कीजिएगा, दोपहर में हम आपको टाइम बता देते हैं 3 से 4 के बीच आप बात करते हैं हमसे, तो
क्लियर हमसे आपको बात हो पाएगा, जो पूछिएगा उसका जवाब हम बहुत बेहतर तरीका से आपको दे देंगे। देखिए हम यहाँ खड़ा है आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आपको यहाँ का बोले कि झारखंड में ऑल इंडिया 30 पूछेगा, झारखंड जीके 50 पूछेगा, मैथ 25, साइंस 25, 20 कंप्यूटर, यानी यहाँ भी 150 क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ तो दोनों पेपर के आप क्लास करना चाहते हैं, यानी जो बंदा के डाउट होगा सर कि हम झारखंड दरोगा तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड पुलिस हो जाएगा बच्चा। फिर एक चीज़ खाली आपको ये रहेगा और वो रहेगा पेपर टू। झारखंड दरोगा का सिलेबस अलग रहेगा, झारखंड पुलिस का सिलेबस अलग रहेगा, झारखंड दरोगा का सिलेबस अलग रहेगा, झारखंड पुलिस का सिलेबस अलग रहेगा। लैंग्वेज पेपर में बाकी सारा पेपर सेम मिलेगा, हल्का सा भी नहीं। वीडियो में हम बताए थे आपको एस एस सी जी डी का जो भर्ती है वो दिसंबर में आने वाला है, ये कन्फर्म है। हम आपको क्लियर करवा देते हैं, और उसका में भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं, वैसा आप ही कीजिएगा। देखिए एस एस सी हम यहाँ सर्च मार रहे हैं और एस एस सी का मेन वेबसाइट हम खोलेंगे। एस एस सी का जो है मेन वेबसाइट, देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मेन वेबसाइट खोलें, और मेन वेबसाइट खोलने के बाद हम यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए यहीं से भराता एस एस सी। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ कैलेंडर दिया हुआ, कैलेंडर हम डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, कैलेंडर डाउनलोड हो रहा है। तो आप सभी को जो यहाँ हम दिखाना चाह रहे हैं कि भी हाल ही में तीसरा महीना में एमटीएस निकला था, और कितना जुलाई में आपका एग्जाम ले लिया एमटीएस का, तो देखिए कितना क्लियर डेट। कभी भी एसएससी का एक चीज़ बहुत बढ़िया है जिस पे हम अभी भी एसएससी का सैल्यूट करेंगे, उसके कारण है कि कभी भी इसका एसएससी का एक चीज बहुत बढ़िया रहता है कि एग्जाम डेट फिक्स रहता है, जिससे जो स्टूडेंट रहता है वो डीमोटिवेट नहीं होते हैं। ये बोल दिया कि फॉर्म निकलना है, उसका डेट तय कर दिया तो कंफर्म है वो फॉर्म निकल जाएगा। तय कर दिया कि एग्जाम लेना है इतना तारीख को, इतना तारीख को एग्जाम लेगा, ये चीज के लिए हम एस एस सी पर है ना बोलिए तो पूरा फिदा है 100%। और सरकार से चाहे मोदी जी हो या हो हेमंत जी हो, हम अनुरोध करते हैं जिस प्रकार एस एस सी अपना एक कैलेंडर निकालता है और कैलेंडर के अनुसार जो भर्ती लेता है, उसी प्रकार अब झारखंड के या सेंट्रल का भर्ती करवाइए कैलेंडर निकाल के। अब झारखंड तो कैलेंडर निकाला, कैलेंडर निकालने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक एक्साइज पुलिस के रनिंग हो जाना था, एक्साइज पुलिस का अभी तक एग्जाम भी हो जाना था, सीजीएल का आपका पूरा क्लियर एग्जाम हो जाना था। इतना ही नहीं, आपको अभी तक स्पेशल पुलिस आ जाना था, अभी तक आया नहीं। आपको कलर का जो है कलर के निकाल दिए, अभी तक कलर सारा कुछ दिया हुआ था कि अब एग्जाम होने का समय दर्शाया हुआ था आप कैलेंडर में। आपको मेरा बात विश्वास नहीं होता होगा तो जे एस एस सी का कैलेंडर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बोलिएगा तो अभी भी हम डाउनलोड कर लेंगे, क्यों समय हम बर्बाद करें। तो जे एस एस सी के कैलेंडर के अनुसार हम बोल रहे हैं कि जो सीट दर्शाया हुआ उस समय पे नहीं हो रहा है। इसके कारण क्या होता है ना कि स्टूडेंट लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, और डीमोटिवेट होने के कारण ना वो सही पूर्वक पढ़ाई कर पाते हैं, ना ही कुछ कर पाते हैं। उसका कारण है कि वो गांव जाते हैं, सब पूछता है भाई इतना उम्र हो गया क्या कर रहे हो, कुछ नौकरी उकरी लगा कि नहीं लगा, और सब जहां जाते हैं वहां उसको ताना ही ताना मिलता है, और इसका डिमोटिवेट हो जाते हैं, ना ही कुछ की तैयारी कर पाते हैं। तो झारखंड सरकार और मोदी जी दोनों से हम अनुरोध करेंगे कि आप कोई भी बहाली निकालिए तो कैलेंडर के हिसाब से जारी कीजिए कैलेंडर, जैसे एस एस सी निकालता है, और कैलेंडर निकालने के बाद अब तय कीजिए कि हाँ ये डेट को एग्जाम होगा, ये फिक्स कीजिए, आपका काम है करना फिक्स। अरे हम जान रहे बहुत बड़ा है, तो आप उस पद पर भी तो बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ आप कीजिए, ये क्लियर कीजिए, जिससे स्टूडेंट डीमोटिवेट नहीं हो, और समय समय पे बहाली दीजिए। ऐसा नहीं कि चुनाव आने वाला है उस समय बहाली देते हैं, लालच देते हैं, तो ये बढ़िया बात नहीं है। कभी भी आप बहाली जब करवाते हैं तो पहले से करवाइए, आप अच्छे काम करेंगे तो हम लोग खुशी से वोट देने के लिए सबसे आगे रहेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए कि देखिए अभी बहाली आएगा 24 में का ही चुनाव है बाबू, तो ये कंफर्म हम बता रहे हैं। यहाँ एस एस सी जी डी का हम बात कर रहे थे, तो एस एस सी जी डी के हम बात करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ कॉन्स्टेबल जी डी
है ना, कॉन्स्टेबल जीडी का दिया हुआ है, कॉन्स्टेबल जीडी का, और कॉन्स्टेबल जीडी का जो भर्ती दिया हुआ है ये आपका 10/12/2022 में आने वाला है। पहले आने वाला था मार्च या अप्रैल में, अब ये दिसंबर में ही आने वाला है। जिनका 170 हाइट होगा वो ऑफलाइन मेरे यहाँ क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिएगा, हम गारंटी ले लेंगे आपका एग्जाम निकालने का। अब ये नहीं कि 2 महीना एग्जाम में बचा हुआ उस समय आपके ज्वाइन कीजिएगा और बोले सर गारंटी ले लीजिए, तो वैसा नहीं होता है। अब पढ़िएगा नौकरी होगा, नहीं पढ़िएगा नौकरी नहीं होगा। तो ये आपका दिसंबर में भर्ती आने वाला है और मार्च अप्रैल में एग्जाम ले लेगा। तो मिनिमम कम से कम 7-8 महीना पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। और बार बार हम बोल रहे हैं ये बहू कि झारखंड पुलिस झारखंड दरोगा भर्ती आ रहा है, झारखंड पुलिस झारखंड दरोगा भर्ती आ रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते होंगे सर अभी तो बहालियों नहीं आया है, काहे पगला रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते होंगे सर बहाली भी अभी तक आया ही नहीं है तो काहे पगला रहे हैं। अरे बाबू तो नौकरी तभी होगा तब अभी से लगोगे, चाहोगे कि हम नहीं, अब खाने के समय में कोहरा उपजाओगे तो फलेगा बाबू, नहीं फलेगा। कोई भी काम को पहले से प्लानिंग किया जाता है और पहले से प्लानिंग आप करते हैं तबे आप सक्सेसफुल होइएगा। आप सपनाइएगा नहीं अरे फॉर्म निकल गया अब हम इसको तैयारी करते हैं तो भुला जाइए, आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, पहले से आपको तैयारी भरपूर तरीका से करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो झारखंड जो पुलिस के बारे में अभी तक हम फी नहीं बताए, तो झारखंड पुलिस के बारे में हम फी बता देते हैं कि झारखंड पुलिस का जो मेरा पास अभी फी है वो लैंग्वेज पेपर लेके 2500 है। तो 2500 ज़्यादा नहीं है, इसमें हम आपको साल भर पढ़ाएंगे। इतने नहीं, कोई झारखंड पुलिस में नहीं भी होता है दूसरा भी भर्ती आता है उसका भी हम आपको पढ़ाएंगे वही 2500 में। 2500 में जो हम बता रहे हैं वो आपका हो गया हिंदी हो गया खोटा या नागपुरी जो लीजिएगा, ऑल इंडिया जीके हो गया, झारखंड जीके हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारा कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। कभी रक्षाबंधन के ऑफर में हम आपको डिस्काउंट दिए हुए हैं 500 का, हम अभी रक्षाबंधन के ऑफर में अभी हम आपको डिस्काउंट दिए हुए हैं 500 का, तो आपको लगेगा 2000। और उसमें भी एक ऑफर दे दिए हैं कि जिनको लाइव रिकॉर्डिंग दोनों चाहिए उनको लगेगा 2000 और जिनको लाइव चाहिए वो लगेगा 1500, इतना कम कर दिए हैं। यानी जिनको लाइव रिकॉर्डिंग दोनों चाहिए उनको लगेगा 2000 और जिनको खाली लाइव चाहिए उनको लगेगा 1500 जिनको लगेगा 1500। तो जो बंदा क्लास करना चाहते हैं यानी झारखंड पुलिस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो ऑफर है हम अभी बता रहे हैं अभी, यानी 2 ही दिन रहेगा यानी आज और कल। कहने का मतलब है आज 11 तारीख और 12 तारीख के ही ऑफर रहेगा, बाकी फिर लगेगा आपका 2025। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड अब हम आपको अपना क्लासरूम जहां हम पढ़ाते हैं, जहां मेरा डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, जहां हम रहते हैं वो क्लासरूम डिजिटल बोर्ड सारा कुछ हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे वीडियो बनाएंगे जिस वीडियो में आप लोगों को खुशखबरी देंगे, कुछ बुक वगैरह के बारे में बताएंगे और बहुत कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ वीडियो हम आपको डालते रहेंगे, साथ साथ पढ़ाए वाला भी वीडियो हम कुछ डालेंगे। धन्यवाद। क्लासरूम ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, ये मेरा हो गया चेयर हो गया और ये जो आप देख रहे हैं मेरा क्लासरूम है। और क्लासरूम आपका यहाँ करीब 80 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 80 स्टूडेंट यहाँ आके, यहाँ पूरा लंबा चौड़ा है, इधर से भी आके क्लास दिखा दो। तो आप ऑफलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो यहाँ आके क्लास कर सकते हैं, बहुत बेहतर है। और करीब यहाँ 80 स्टूडेंट बैठ सकता है एक बार में क्लास करने के लिए और बहुत बढ़िया तरीका से, कोई दिक्कत नहीं होगा।